अलवा गामना वळाक पासे महिनामा अकस्मातनी चौथी घटना आजे बनी हती। आजे वडोदराना परिवारनी कारने अकस्मात नड्यो हतो, जेमा कार चालके स्टेरिंग परथी काबू गुमावता गाड़ी पलटी मारी गई हती। हासोट सूरत मार्ग उपर आवेल अलवा गाम नजीकना वळांक पासे कार चालके स्टेरिंग परनो काबू गुमावता कार पलटी मारी गई हती। जो के सदनसीबे कारमां सवार वडोदराना परिवारना चारे सभ्योनो आबाद बचाव थयो हतो। हासोट सूरत मार्ग उपर आवेल अलवा गाम नजीकना वळांक अकस्मात झोन बनी रह्यो छे। छेल्ला एक महिनामां आ मार्ग पर अकस्मातनी 4-5 जेटली घटना बनी गई छे। त्यारे आज रोज फरी एक वार वडोदरा नी कार ने पण अकस्मात नड्यो हतो। वडोदरा नो परिवार पोतानी कार के जेनो आरटीओ रजिस्ट्रेशन नंबर GJ6PD3187 लई सूरत खाते जई रह्यो हतो, ते वेळा हासोट थी सूरत ने जोड़ता मार्ग उपर आवेल अलवा गामना वळांक पासे कार चालके स्टेरिंग परथी काबू गुमावी दीधो हतो अने कार पलटी मारी गई हती। कार पलटी जता धड़ाकाभेर अवाज आवता मार्ग उपरथी पसार थता वाहन चालको घटना स्थळे दौड़ी आव्या हता अने गाड़ीमां फसायेला परिवारना चारे सभ્યોને સુરક્ષિત બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા। આ અકસ્માતમાં કોઈ પણ જાનહાનિ ન થતા સૌ કોઈએ રાહતનો શ્વાસ લીધો હતો। જો કે આ માર્ગ ઉપર અકસ્માતના છેલ્લા એક મહિનામાં 3-4 બનાવ બની ચૂક્યા છે। અંકલેશ્વર ખાતેથી બ્યુટી પાર્લરનો ઓર્ડર પતાવી સુરત જતી 3 યુવતીઓને પણ આ સ્થળ પર જ અકસ્માત નડ્યો હતો, જે અગાઉ પણ અકસ્માતની अनेक घटना सामे आवी चुकी छे। त्यारे मार्ग अंगे मकान विभाग द्वारा अलवा गाम नजीक वड़ाक पासे अकस्मात झोन नो बोर्ड के स्पीड ब्रेकर मूके ते अत्यंत जरूरी बनी गयु छे, अथवा तो आ मार्ग उपर अकस्मात घटे तेवा कोईक व्यवस्था गोठववामां आवे तेवी जरूरियात उभी थई छे।